100% हमारा तो एक ही ध्येय है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा मैं और बीजेपी टिकट पर ही अपनी दावेदारी करूंगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी गारंटी कानून के समर्थन में पूरे 13 महीनों तक जिस भाजपा को पानी पी पी कर कोसा, जिस भाजपा का सुपड़ा साफ 2024 में साफ कर देने का दावा ठोका, आज उसी भाजपा के टिकट पर वही सोमवीर सांगवान लोकसभा का चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। जी हाँ, सोमवीर सांगवान दादरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं और सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। आंदोलन हुआ था तो सरकार समर्थन वापस ले लिया था और आंदोलन खत्म हुआ तो फिर सरकार को अपना समर्थन दे दिया और अब तो भाजपाई होने के लिए इतने लालायित हैं कि भाजपा में शामिल होना भी चाहते हैं और भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। कि आप विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ना चाहेंगे या फिर लोकसभा चुनाव? ऐसा है कि 100% हमारा तो एक ही ध्येय है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा मैं और बीजेपी टिकट पर ही मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। दरअसल सोमवीर सांगवान आज दादरी के बौंद खुर्द में पहुंचे थे, जहां उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह के सामने सोमवीर सांगवान ने लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी करके सबको चौंका दिया, क्योंकि सोमवीर सांगवान ने उस सीट से अपना दावा ठोका जिस लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह है, जो कि सोमवीर सांगवान के बिल्कुल बगल में ही बैठे थे। हालांकि सोमवीर सांगवान को भाजपा से टिकट मिलेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि धर्मवीर सिंह भी अपनी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में अब किसकी दावेदारी में कितना दमखम है, किसे भाजपा का टिकट मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चरखी दादरी से पुनीत शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।